हाँ जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम शुरू करते हैं टारगेट कॉस्टिंग। ओके, टारगेट कॉस्टिंग होती क्या है? तो सबसे पहले आप समझिए, टारगेट कॉस्टिंग के लिए अपन जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है उसके अंदर क्या करते हैं। जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग वर्सेस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर और टारगेट कॉस्टिंग। ओके, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर हम लोग कॉस्ट से कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और कॉस्ट ऐड कर उसमें डिजायर्ड प्रॉफिट, जो भी डिजायर्ड प्रॉफिट होता है उसको ऐड करके सेल प्राइस कैलकुलेट करते हैं जबकि टारगेट कॉस्टिंग में कि हम ये रखते हैं कि इतने में हम सेल करेंगे, दिस शुड बी द सेल प्राइस। टारगेट कॉस्टिंग में हम ये मान के चलते हैं सेल प्राइस, ये मार्केट डिटरमाइन करता है, यानी मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं। ये जो सेल प्राइस है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इस सेल प्राइस को हम चेंज नहीं कर सकते। सेल प्राइस जो मार्केट ने के अंदर है, ठीक है, तो ये जो सेल प्राइस है ये मार्केट फैक्टर से डिटरमाइन होती है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर इसमें से हमें कुछ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, चाहिए या डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए। तो हमारा टारगेट है, इसको करने के बाद में जो कॉस्ट आएगी डेट इज टारगेट कॉस्ट। कि हमारा जो ये हमारा टारगेट है, यहाँ पे टारगेट हमारा क्या है, टारगेट कॉस्टिंग के अंदर टारगेट फिक्स है कि हमको कॉस्ट यहाँ तक रिड्यूस करनी है, ठीक है। क्या करनी है कि हमारी कॉस्ट मैक्सिमम कॉस्ट ये हो सकती है, मैक्सिमम कॉस्ट ये होगी यदि कॉस्ट इस टारगेट कॉस्ट से इस कॉस्ट से ज्यादा है तो हमें क्या होगा, टारगेट फॉर रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट। तो हमें देखना होगा कि किस तरह हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए हमें वैल्यू इंजीनियरिंग करनी होगी। ओके, तो अभी हम आपको समझाते हैं एक एक कंसेप्ट बड़े आराम से, जरा ध्यान से सुनना, अटेंशन से सुन। ओके, तो ये बात समझ में आया, जैसे टारगेट के अंदर मछली की आंख पर निशाना था अर्जुन का, ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो निशाना क्या है, सेल प्राइस में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये मार्केट फोर्स ने डिसाइड किया हुआ है। होंडा कार, होंडा अवेज इतने की निकाली है तो उसी तरह की मारुति उससे ज्यादा प्राइस में नहीं बेच सकती,
तो उसको यदि स्विफ्ट डिजायर की प्राइस है या कोई भी मॉडल इसके जैसा निकालना है तो उसको लगभग लगभग सेम प्राइस रखनी होगी या उसकी एक टारगेटेड प्राइस होगी। ठीक है, तो टारगेट कॉस्टिंग का मतलब जब हम सेल प्राइस इज नॉट इन आवर कंट्रोल, ठीक है, तो वी वांट टू टारगेट, वी वांट टू हैव ए टारगेट कि इतने में हमें बनाना है। हमारा टारगेट क्या है? टारगेट ऑफ कॉस्ट। तो आप इसको यदि डिफाइन करने के लिए लिखना चाहे तो लिखिए, हाँ जी लिखिए, एज पर ट्रेडिशनल मेथड, हाँ जी लिखें, एज पर ट्रेडिशनल मेथड, एज पर ट्रेडिशनल मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर ट्रेडिशनल मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल कॉस्ट टू बी इनकर्ड, ऑल कॉस्ट टू बी इनकर्ड एंड देन ए मिनिमम रेट ऑफ, देन ए मिनिमम रेट, हाँ जी तब क्या होता है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, देन ए मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न शुड बी या और सपोज टू बी एडेड टू अराइव एट ए फिक्स सेलिंग प्राइस, टू अराइव एट ए फिक्स सेलिंग प्राइस। ओके क्लियर, बट एज पर टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम, बट एज पर टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम वी हैव टू, वी कैन से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल we should determine selling price, we should determine selling price, we should determine selling price, ये सेलिंग प्राइस का विच इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू मार्केट फैक्टर। तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये फिक्स है विच वी कैन नॉट चेंज। ओके, एंड ठीक है, विच इज एंड आफ्टर डिडक्टिंग required or desired
रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिट प्रकार रेट ऑफ प्रॉफिट वॉट एवर इज द बैलेंस ये बैलेंस हुए डेट इज टर्म्ड एज टारगेट कॉस्टिंग हाँ जी बात समझ में आई तो इसको क्या कहते हैं इसको टारगेट कॉस्टिंग कहते हैं ठीक है ना तो इस टारगेट कॉस्टिंग के लिए हमें क्या करना होता है ये टारगेट कॉस्टिंग हमें करनी होती है सपोज मान लो एक प्रोडक्ट हमें पता है कि ये समझ लिए मारुति कार है या फोर्ड की आप इको स्पोर्ट है फोर्ड इको स्पोर्ट आई वैल्यू है इसकी 7 लैक्स अब इसको कंपीट करना होंडा अमेज से ठीक है इसकी है 7 लैक प्राइस फोर्ड स्कोर चाहता है कि मेरी भी प्राइस 7 लैक्स हो क्योंकि अब 7 लैक रखने पे ये चाहता है कम से कम लेस 10% हमको प्रॉफिट हो तो ये चाहता है 6,30,000 हमारी कॉस्ट हो अब जब ये देखता है कि रियल में कॉस्ट हमारी आ रही है 6,50,000 रियल जो कॉस्ट आ रही है एज पर कॉस्ट शीट ये 650 लेकिन टारगेट कॉस्ट क्या है टारगेट कॉस्ट है 630 तो अब ये देखेगा कि हमको ये जो प्राइस आ रही है इसको कैसे रिड्यूस किया जाए इसको कैसे रिड्यूस किया जाए कि ये 630 पे आ जाए क्या इसकी रीडिजाइन की जाए कौन से फीचर्स कम किए जाए जिससे कि मार्केट पे फर्क ना पड़े सपोज इसके अंदर मान लो बैक साइड में वाइपर लगा है और उस वाइपर की कॉस्ट आती है 50,000 अब क्या सोचती है फोर्डी को कि यदि ये 50,000 की कॉस्ट घटा दी जाए पीछे के वाइपर की तो कॉस्ट आएगी 6 लैक्स और इसको करने के लिए 5,000 रुपए वाले 6 फीचर्स और ऐड कर दिए जाए और तरह की लाइटिंग लगा दिए जाए और फैंसी लुक दे दिए जाए तो उससे क्या होगा नया मॉडल बना दिया जाए उसमें कोई कॉस्टली फीचर है उसको हटा दिया जाए और उसके अलावा कम कम प्राइस के कुछ और फीचर्स करके जिससे कि हमारी टारगेट प्राइस 630 हो जाए ओके तो ये जो प्रोसेस की जाती है रीडिजाइनिंग और इंजीनियरिंग इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग तो टारगेट कॉस्टिंग में जो डिफरेंस आता है उसको करने के लिए जो मैनेजमेंट प्रोसेस करता है टू अचीव टारगेट कॉस्टिंग दैट इज वैल्यू इंजीनियरिंग तो वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है दिस इज ए मीन्स टू अचीव टारगेट कॉस्टिंग यानी ये समझ लिए जो टारगेट कॉस्टिंग है ये मछली की आंख है ये क्या है आई आंख है और ये जो वैल्यू इंजीनियरिंग है ये अर्जुन का तीर है ठीक है तो ये जो है वैल्यू इंजीनियरिंग आपको समझ ली है कुछ कुछ आया समझ में टारगेट कॉस्टिंग हाँ जी सर तो मैं आपको लिखाता हूं कि हाउ टू
अचीव टारगेट के, हाउ टू अचीव टारगेट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग पे हमको पहुंचा कैसे जाएगा, हाउ टू अचीव टारगेट कॉस्टिंग। अब आ जाइए हाउ टू अचीव टारगेट कॉस्टिंग, कि इस टारगेट कॉस्टिंग पे हम पहुंचेंगे कैसे। हाँ जी, हाउ टू अचीव ठीक है, तो इसका लिखिए, इसको कैसे हम अचीव करते हैं, हाउ टू अचीव टारगेट कॉस्टिंग। तो इसके लिए हम लोग करते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस डिजाइन एनालिसिस, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑब्लिक कॉस्ट रिडक्शन टूल्स, ये सारी हम प्रोसेस करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। इसको नाम देते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी एनालाइज द प्रोडक्ट एंड फाउंड आउट द फीचर्स that are useless or of least use of least usefulness oblique redundant yet consume lot of cost। ऐसे आइटम हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ठीक है, ऐसे आइटम
उसके ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस we reduce some features, जैसे अभी आपको बताया कि पीछे वाला वाइपर हम हटा देते हैं, ठीक है, रिड्यूस सम फीचर्स, लेकिन इसको देखते समय कि विच डज नॉट अफेक्ट मार्केट, मार्केट में ऐसा ना हो कि ऐसा विच डज नॉट हैव मार्केट, ऐसा कोई जो मार्केट फैंसी हो, ठीक है, विच डज नॉट अफेक्ट येट रिड्यूस कॉस्ट। तो ऐसे फीचर्स को हम कम करेंगे और ऐसे फीचर्स है ना, या सब्स्टिट्यूट द फीचर्स बाय लेस कॉस्टली फीचर्स yet maintaining marketing fancy। जैसे कि क्या है कि मान लो उसका कार है, उसका कुछ पार्ट मेटेलिक की जगह हमने प्लास्टिक का बदल दिया, कुछ पार्ट्स में ऐसे चेंज कर दिए इससे वो लाइट वेट हो गया और साथ ही साथ हमारी कॉस्ट भी हो गई और उससे मार्केट पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये सब करके जिसको इस सारी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। तो वैल्यू इंजीनियरिंग के द्वारा वी आर अचीविंग, ठीक है, टारगेट कॉस्टिंग। ये इस तरह हम प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, प्रोडक्ट का डिजाइन इस तरह करेंगे, फीचर्स का डिजाइन ऐसा करेंगे कि जिससे कि हमारी कॉस्ट, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हाँ, तो इसलिए हम लोग कुछ फीचर्स इस तरह के कम कर देंगे जिससे कि हमारी कॉस्ट कम हो जाए और मार्केट के अंदर कोई खास इम्पैक्ट उस चीज का ना पड़े, मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी सेम रहे, ठीक है। तो इसको बेटे नोट कीजिए, इफ एक्चुअल एस्टिमेटेड कॉस्ट इज मोर देन टारगेटेड कॉस्ट, देन क्या हुआ, देन आवर डिजायर्ड प्रॉफिट विल गो डाउन। हाँ जी, तो यदि हम एक्चुअल प्राइस मोर होगी तो हमारा डिजायर प्रॉफिट नीचे चला जाएगा, विल गो डाउन। हेंस हेंस इन ऑर्डर टू सस्टेन टारगेट प्रॉफिट
we should redesign our products by reducing or eliminating the same. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रीडिजाइन करेंगे, और एलिमिनेटिंग द सम फीचर्स या सम ऑफ द फीचर्स, सम फीचर्स या सम ऑफ द फीचर्स कुछ भी लिख दीजिए, सम ऑफ द फीचर्स, कुछ फीचर्स हम एलिमिनेट कर देंगे. The reduced cost comes to closure of target cost. Closure of target cost. लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, बट सच एलिमिनेशन शुड नॉट एडवर्सली अफेक्ट मार्केट और मार्केटेबिलिटी of the product. ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, इस सब को हम लोग कहते हैं, दिस इज वैल्यू इंजीनियरिंग. ओके, तो जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस यानी जिस पे पहुंचना है, दैट इज टारगेट, और उस टारगेट को दूर करने की जो प्रोसेस है, दैट इज वैल्यू इंजीनियरिंग. ओके, तो ये आप समझिए टारगेट कॉस्टिंग. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे टारगेट कॉस्टिंग के, जिसके द्वारा आपको ये सारे कंसेप्ट थ्रू ईच क्वेश्चंस, कुछ कुछ कंसेप्ट टारगेट कॉस्टिंग के कंप्लीट होंगे. Okay, thank you very much.